क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है, क्योंकि शेरों को सहेजने में बड़ी तकलीफ होती है और हमारे गोंड समाज का एक एक व्यक्ति शेर की तरह है, उसको इकट्ठा करना मतलब बहुत बड़ा एक मेहनत का काम करना है। इसलिए सारे सगा समाज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उन सभी के लिए सादर सेवा जोहार के साथ तालियां हो जाए। अब इतना भी पता है कि जब शेर कहीं किसी मैदान में हो या किसी प्रांगण में हो या जंगल में हो, शेर जहां होता है वहां सन्नाटा होता है, शेर जहां होता है वहां सन्नाटा होता है। अगर तुम गोंडवाना की असली क्वाम हो, अगर तुम असली गोंडवाना के रक्त हो, रानी दुर्गावती के वंशज हो, तो दो मिनट के लिए मौन धारण करेंगे हम अपनी रानी दुर्गावती को यहां पर पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कृपया सच्चे दिल से सच्चे मन से हम अपने पुरखों को शहादत देते हैं और वीरांगना रानी दुर्गावती के पावन चरणों पे हम सेवा जोहार अर्पित करने के लिए अपने पेनवासी समस्त पुरखा शक्तियों को यहाँ पे हम सेवा जोहार अर्पित करेंगे। इसी के साथ सेवा सेवा सेवा, सभी अपने स्थान पे शांतिपूर्वक रूप से बैठ जाएं। आज मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि थोड़ी देर की शांति आप बनाए रखें। आज हम कोलकाता पे मौजूद हैं, आप में से कितने लोग कोलकाता का नाम और आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि कोलकाता नाम का हम आदिवासी मूल निवासी गोंडवाना वासियों से एक संबंध रहा है, कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार इस बात को बताने से पहले आपके बीच रखूंगा। प्राचीन काल से जितने भी महान विचारक रहे हो, जितने भी महान भाषाविद रहे हो, जितने भी महान संस्कृतिविद रहे हो, सभी ने मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर एक सामान्य एक कॉमन आंसर दिया। मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य है नई पीढ़ी का सृजन करना और कहीं ना कहीं हम सभी की उत्पत्ति नई पीढ़ी के सृजन के लिए हुई है। नई पीढ़ी का सृजन का मतलब कभी यह नहीं होता कि नई पीढ़ी को उत्पन्न मात्र कर देना। नई पीढ़ी के सृजन का मतलब होता है कि उस आने वाली पीढ़ी पर सांस्कृतिक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, उस आध्यात्मिक ज्ञान, उसके साथ साथ आर्थिक ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान, जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, उन समस्त ज्ञानों का समावेश जब एक मनुष्य प्रजाति के भीतर विद्यमान किया जाता है, उसके उपरांत किसी को एक संपूर्ण रूप से मानव कहने का हम दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम इन तमाम प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करते हैं तो हमारी उत्पत्ति का कोई उद्देश्य नहीं, और उद्देश्य विहीन मनुष्य कभी सार्थक, सामाजिक और बहुचर्चित और एक बड़ा जीवन, विशाल जीवन जीने के योग्य नहीं होता। इसलिए आज यदि हम रानी दुर्गावती को यहाँ पर याद कर रहे हैं तो इसलिए याद कर रहे हैं कि रानी दुर्गावती ने अपने विचारधारा का कभी सौदा नहीं किया। उन्होंने किसी भी प्रकार के विदेशी आक्रांताओं को उसकी भूमि पर घुसने नहीं दिया। उसने स्पष्ट कहा कि आप मेरे क्षेत्र को गुलाम बना सकते हैं, आप मेरी जमीन को गुलाम बना सकते हैं, परंतु मेरी संस्कृति को, मेरी मातृभूमि पर एक एक ऐसा व्यक्ति जो कोया पुनेम को मानता है, जो मुठवा पुनेम को मानता है, जो गोंडवाना के सिद्धांतों को लेकर चलता है, उसको मेरे जीते जी आप गुलाम नहीं बना सकते। और इसी बात को लेकर रानी दुर्गावती ने छोटी सी टुकड़ियों की फौज लेकर इतनी बड़ी सेना पे हमला कर दिया, रात्रकालीन हमला कर दिया और उसके बाद नाको चने चबा दिए। और जब एक आखिरी युद्ध के उपरांत उनके आंख के पास आकर बाई आंख में तीर लगा, तो उस तीर के बाद उन्होंने कहा कि मैं जीते जी, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जीते जी विदेशी आक्रांताओं के हाथ में नहीं आने वाली। इसलिए एक काम करो कि यहाँ पे आधार सिंह आप निकालो कटार और मेरा गला
सर से कलम कर दो। परंतु आधार सिंह ने कहा कि मैं रानी माँ ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप यह विचार निकाल दें, प्राण त्यागने का विचार निकाल दें, आपको लंबी लड़ाई लड़नी है। परंतु रानी माँ ने कहा कि मुझे पता है कि ये हमारे पूरे संपूर्ण गोंडवाना को गुलाम बना लेंगे, ये हमारे संपूर्ण गोंडवाना को मानसिक रूप से गुलाम बना लेंगे, ये हमसे हमारी पहचान छीन लेंगे, ये हमसे हमारी संस्कृति छीन लेंगे, ये हमारे जितने भी जमीन है, हमारी सभ्यता है, उसको ये नष्ट कर देंगे। इसलिए ये जीते जी मैं नहीं देख सकती, इससे बेहतर होगा मैं गुलामी के जीवन से बेहतर अपनी जान देना पसंद करूंगी। और इसी बात को लेकर आज पूरे भारत देश के अंदर हर एक महिला के लिए, पहली भारत देश की ऐसी महिला थी जो रानी बनी, और रानी कौन बनी, जो गोंडवाना में थी वो रानी बनी, और वो हमारी माँ रानी दुर्गावती आपके सामने आज यहाँ पर चित्र के माध्यम से प्रदर्शित है। मेरे भाई, इस बात को यहाँ से लेके जाइए। आज मेरे से दादा ने कहा कि आप UCC के बारे में बताइए। किसके बारे में, एक बार साथ में बोलना, UCC। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बाहर से देखने में बच्चे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, यूनिफॉर्म में लग रहे हैं ना। कभी आप ध्यान से सुनना इस बात को, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा मिशनरी स्कूल है, वहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और उनको कह दिया गया है कि आप सभी एक यूनिफॉर्म में आएंगे। किस पे आएंगे? एक यूनिफॉर्म में आएंगे। और वो यूनिफॉर्म के लिए उन्होंने दुकान बता दी है कि सारे बच्चे उस यूनिफॉर्म की दुकान से यूनिफॉर्म लेके जाएंगे। और जब वहां पे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए माँ बाप ने दाखिला करा दिया, कुछ लोगों ने कर्ज लेके दाखिला करा दिया, कुछ लोगों ने अपना जो निजी जरूरतें हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करके वहां पे दाखिला करा दिया, उसके उपरांत उस दाखिले के बाद वहां पे उससे कहा जाता है कि आप अपने बच्चे के लिए ये 20,000-25,000 की यूनिफॉर्म लेके आइए। तो यूं सोचिए कि जिसके पास बहुत ज्यादा काला धन है वो तो यूनिफॉर्म महंगी ले आएगा, तो उसके लिए तो लाभदायक हो गया। परंतु वो जो गरीब आदिवासी जिसके पास काला धन नहीं है, जिसने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की, इस जमीन के लिए अपनी जान दे दी, बिरसा मुंडा ने जान दे दी, रानी दुर्गावती ने जान दे दी, शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने जान दे दी, टंटे मामा ने जान दे दी। अब सोचिए कि जिन लोगों ने इस जमीन पे अपनी जान दी है, उन लोगों से कहा जा रहा है कि आप महंगी यूनिफॉर्म में आइए वरना भारत देश से बाहर निकल जाइए, और CAA के तहत फिर से भारत की सदस्यता लीजिए और NRC करवाइए। तो ये देश पे जिन लोगों ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दी, उन लोगों के ऊपर UCC थोप कर, उन आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करके, उनके ऊपर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगाकर, उनके ऊपर NRC लागू करके, इस देश की सरकार करना क्या चाहती है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये सवाल आपको सोचना होगा, क्योंकि आप आज तक अगर जिंदा है तो आपको, आप हो सकता है कि आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए, हो गए होंगे। मैं भी कहता हूं कि आर्थिक रूप से हमारे समाज ने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की, इसलिए आज उसके पास काला धन नहीं है, आज उसके पास जो कुछ भी है वो मेहनत का धन है, उसका मेहनत का बटोरा हुआ धन है। और आज यहां से पसीना बह रहा है और इतना गर्मी है, और ये उस हमारे गोंडवाना समाज के एक एक व्यक्ति का मेहनत का वो पसीना है जो इस प्रांगण पे यहाँ पर मौजूद है। अन्यथा लोग कहते हैं कि हम क्यों जाए, अरे क्यों ना जाए, क्योंकि अगर तुम जिंदा कौम की औलाद हो तो तुम्हें जिंदा कौम होने की मिसाल देनी पड़ेगी, बार बार देनी पड़ेगी, वरना तुम्हें मुर्दा कौम कहकर जला दिया जाएगा। जैसे आपने देखा कि धारा 370 हटाने के लिए, आपने देखा कि धारा 370 हटाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पे सरकार ने एक योजना बनाई, वहां पे आर्मी डिप्लॉय कर दी। क्या डिप्लॉय कर दी? आर्मी डिप्लॉय कर दी। एक चीज बताइए, आर्मी किसके खिलाफ डिप्लॉय की जाती है, देश के खिलाफ या देश के दुश्मन के खिलाफ? आर्मी किसके खिलाफ डिप्लॉय की जाती है? देश के दुश्मन के खिलाफ। और आदिवासी क्षेत्रों पर
आज की सरकार आर्मी डिप्लॉय कर रही है। किसके खिलाफ? आदिवासी के खिलाफ। मतलब आज जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो आदिवासियों को देश का नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आदिवासियों को बाहर विदेशी कहने के लिए तैयार बैठी है। तो इसलिए हमको तैयार होना होगा, क्योंकि आज आपके हाथ पे हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर आप बेहतर संसाधन तैयार करेंगे, आप बेहतर एजुकेशन तैयार करेंगे, आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, आप बेहतर कस्टम ट्रेडिशन तैयार करेंगे, तो आपका बच्चा भी सम्मान के साथ जी पाएगा। वरना उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और बार बार सरकार की लाठियां खानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि हमने इतना पढ़ाई किया, हमको रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। क्या हमने आदिवासी समाज ने, हमारे पुरखों ने जान इसलिए दी थी कि आदिवासी समाज पढ़ लिखने के बाद भिकमंगा समाज बन जाए? क्या रानी दुर्गावती ने इसलिए शहादत दी कि आदिवासी समाज पढ़ लिख के भीख मांगने वाला समाज बन जाए कि हमको नौकरी दीजिए, कटोरा लीजिए, नौकरी दीजिए, कटोरा लीजिए, नौकरी दीजिए? आखिर ये क्या चल रहा है? इसका उन्मूलन हमको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आदिवासियों को देश का नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार ने छठवीं अनुसूची हटाने के लिए आज मणिपुर में सेना को डिप्लॉय कर दी है। इससे पहले सेना को कहां डिप्लॉय किया? 370 हटाने के लिए, मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए, संविधान मिटाने के लिए 370 हटा दी। उसके बाद देखा कि यहाँ के लोगों को गुमराह कर लिया है, अब नेक्स्ट काम क्या किया जाए कि छठवीं अनुसूची, मतलब जहाँ पे मणिपुर में वहाँ के ट्राइबल के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि वहीं पे एक दीकुओं की कम्युनिटी तैयार करके उनको डिप्लॉय करो, पहले दीकू मारेंगे और दीकू मारने के बाद आज सेना वहाँ पे आदिवासियों को मार रही है, उनसे जमीन छीन रही है। आज मैं यहाँ से एक सवाल खड़े करके जाता हूँ, अगर हम इस गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है, गोंडवाना वासी है, तो गोंड कोई तुर, पनाल कोई तुर, मुड़ियाल कोई तुर, संथाल कोई तुर, मुंडाल कोई तुर, जितने भी कोई तुर है, जितने भी कोई अपने मुठो अपने इनको मानने वाले हैं, उन सब के लिए अगर यहाँ पे पश्चिम बंगाल के किसी आदिवासी को तकलीफ होती है तो गुजरात का आदिवासी बात करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था का निर्माण अखिल भारत के स्तर पे हमको करना होगा मेरे भाई। आज यदि हम यहाँ पे इतने दूर आए हैं, हम भी आराम से रह सकते थे, हम कहते कि अरे जाने दो ना, पश्चिम बंगाल को सबसे पहले खतरा है तो जाने दो ना, हम भी कह सकते थे। क्यों खतरा है? वो खतरा भी मैं आपको आज बताता हूँ। आज मेरे पास मेरा कस्टम ट्रेडिशन है, मेरी मोरल वैल्यू है। आज मुझे पता है कि मैं अंशुल शाह मरकाम लिखता हूँ, मरकाम मेरा मरका मरा, मेरा मुंदसूल सर्री का नियम मेरे पास है, मेरे पास मरकाम का मतलब पता है मुझे, मुझे पता है कि मेरा सामा डूमा कहाँ है, मुझे पता है कि मेरा गढ़गोत्र भाना कहाँ है। आज अगर पश्चिम बंगाल के गोंड समाज से पूछा जाए कि उसका गढ़गोत्र भाना कहाँ है तो क्या वो बता पाएगा? अगर बिहार के गोंड समाज से पूछा जाए कि उसका सामाडूमा कहाँ है, उसका गढ़ कहाँ है, क्या वो बता पा रहा है? उत्तर प्रदेश के गोंड समाज से पूछा जाए कि कहाँ हो भाई, तो क्या वो बता पा रहा है? नहीं बता पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने नौकरी तो बहुत की एसटी कोटा से, परंतु उसको जिंदा रखने के लिए समय और पैसा नहीं निकाला। हमने एसटी कोटा को जिंदा रखने के लिए समय और पैसा नहीं निकाला, और जिन लोगों ने, जिनकी जनसंख्या भारत पे 2% से भी कम है, उन्होंने अपनी आधी कमाई अपने समाज के निर्माण में लगा दी मेरे भाई। इसलिए आज भी आदिवासी समाज को दीकुओं का मुंह देखना पड़ रहा है कि वो हमारे लिए सहूलियतें दे दे, परंतु हमको ऐसे समाज का निर्माण करना होगा। अरे आप 6 दिन नौकरी करते हैं, परंतु 1 दिन मर्द की तरह निकालिए, 1 दिन शेर की तरह निकालिए और अपने समाज के नाम से संगठित होकर देखिए, तो जरा आपको खुद महसूस होगा कि ये समाज में जो आपको सम्मान मिल सकता है वो दीकुओं के दरवाजे में चौखट पे नाक रगड़ने से कभी नहीं मिलने वाला मेरे भाई। आज मैं आपको एक विडंबना बताता हूं, इस समाज के साथ कैसे छलावा किया गया है। इस प्रथा का नाम आपने सुना होगा, उस प्रथा का नाम है दहेज प्रथा। सुना है आपने? पहले हमारे गांव में व्यापारी आता है, व्यापारी अपनी दुकान में टीवी लाता है और टीवी लाने के बाद पिक्चर दिखाता है, और हमारे भोले भाले आदिवासियों को जो दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहा के कमाई कर रहे हैं उनको कहता है
अगर बीवी आएगी तो टीवी के साथ आएगी, किसके साथ आएगी, बीवी आएगी तो टीवी के साथ आएगी। बीवी आई, टीवी लाई, और उसके बाद उस बीवी ने अपना रूढ़ी परंपरा छोड़ के टीवी परंपरा पे अपना काम करना चालू कर दिया। और जिस दिन से वो बीवी टीवी बीवी टीवी बीवी टीवी का प्रचलन चालू हुआ है, उस दिन से आदिवासी समाज का जो पुरुष वर्ग है, जो मर्द वर्ग है, वो पीड़ा में जी रहा है, वो अपने कस्टम ट्रेडिशन को पालन नहीं कर पा रहा है, इसका विरोध करना पड़ेगा। बीवी और टीवी का ये जो कालचक्र चल रहा है, ये दुश्मन का दिया हुआ कालचक्र है, ताकि आप अपना कीमती समय, क्योंकि पैसे से ज्यादा वैल्यू क्या होता है, समय। समय ऐसा है कि मार्क जुकरबर्ग कहता है कि अगर मेरा 2000 का नोट गिर जाए तो मैं उसको उठाने के लिए समय नहीं निकालूंगा। सॉरी, वहां पे तो नोट नहीं चलता, वहां पे डॉलर्स चलता है। अगर उसका 2000 डॉलर गिर जाए तो उसको उठाने के लिए उसके पास समय नहीं है। अगर वो 2000 डॉलर उठाएगा तो 10000 डॉलर का नुकसान कर जाएगा। इसका मतलब कि आज आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई में उसका समय कितना कीमती, इस बात को समझिए। और उसके साथ आप बीबी और टीवी को ठीक करने का काम करिए। जितनों के घर में टीवी है, आंख से बंद करिए और अपने कस्टम ट्रेडिशन को YouTube के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, रील्स के माध्यम से हो, अपने कस्टमरी ला को पहचानिए। यदि कल की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आप क्या करेंगे? एक सुझाव भी मैं आपको देके जाता हूँ। कल दादा लोग बैठे हुए थे, मैं वहां पर था कि आज हमको कागज छाप नहीं बनना है, हमको जो कागज के आधार पे जीने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, हमको क्या बनना है, हमको मौखिक रूप से वर्बली हम अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा बंदा तैयार करना है, ऐसे लोगों का तैयार करना है, हुजूम तैयार करना है कि आपको देख के कोई भी बता सके, दैट इज अ पावरफुल ट्राइबल मैन, दैट इज अ पावरफुल ट्राइबल वुमेन। इस आइडेंटिटी को कैसे तैयार करेंगे, वो आपको तब पता चलेगा जब आप समाज के बीच बैठना और समाज के बीच चर्चा करना चालू करेंगे। हालांकि चर्चाएं बहुत सारी है, इसी के साथ यही भी कहूंगा कि आप आज से तैयार करें, कस्टम ट्रेडिशन रिचुअल्स को बताना चालू करें, क्योंकि यदि आप ST का सर्टिफिकेट, अगर इन्होंने धारा 343-44 हटा दी जिससे आप ST डिक्लेयर होते हैं, तो फिर आप अपने आप को आदिवासी कैसे बताएंगे? किसी के पास जवाब है क्या? कोई जवाब दे सकता है? अगर आपके पास ST का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने आप को ST कैसे बताएंगे? कोई बता सकता है? दादा बता सकते हैं? दादा आके बता दीजिए, दो मिनट आ जाइए, आ जाइए, दो मिनट आ जाइए, बताइए कैसे। जय सेवा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ST का सर्टिफिकेट अगर बंद हो जाता है तो हमें अपना परिचय अपने रिचुअल, अपनी कस्टमरी लॉ, हमारी भाषा, हमारा संस्कृति से देना चाहिए। अगर हमने अपना कल्चर को बना के रखा है तो हमें और कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कहीं भी निकलेंगे, हम भीड़ में ही ऐसे पहचाने जाएंगे कि हम गोंड है, ट्राइबल है, यही हमारी पहचान है। फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाए दादा के लिए, क्योंकि आज दादा को पता है।